There is one question which has always gotten into my nerves. Every another student I see, they come up asking the same question. Is grammar really important to learn? Cannot I just skip it? Come on guys, you remember your childhood days? You went through thousands of books. You learned so many chapters, Hindi ke, English ke, geography ke, history ke, chemistry ke, maths ke, साइंस के और पता नहीं क्या क्या. अगर आप बचपन में इतनी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप मैथ्स और साइंस के इतने सारे फॉर्मूलास को लर्न कर सकते हैं, तो इंग्लिश की एक बेचारी छोटी सी ग्रामर के कुछ रूल्स पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है. टेंसेस, एक्टिव पैसिव, कंडीशनल्स, मॉडल वर्ब्स, दैट्स ऑल. अगर आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो दे विल कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स हाउ लैंग्वेज वर्क्स. आप कभी क्लूलेस नहीं होंगे कि यहाँ पे वुड क्यों आया है, यहाँ पर वुड हैव क्यों आया है, मैं बीन क्यों यूज़ करूँ, मैं बीइंग क्यों ना यूज़ करूँ, या जिरंड्स क्या होते हैं, सेंटेंस आईएनजी से क्यों शुरू हो रहा है, या इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म क्यों आई है. अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ग्रामर के सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़ने से मिल जाते हैं, तो व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग इन स्टडीइंग देम. आई अग्री दैट व्हेन यू होल्ड अ कॉन्वर्जेशन विद समवन, इट हैपन्स सो स्पॉन्टेनियसली एंड यू हैव नो थिंकिंग टाइम. सर्टेनली यू कैनॉट रिलाई ऑन ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लिसिट लर्निंग. इम्प्लिसिट लर्निंग क्या होती है कि अगर आप किसी के घर जाना चाहते हैं तो आप उसका एड्रेस एक बार समझते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको नोइंगली या कॉन्शियसली ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कहाँ जाना है. आपका माइंड आपको उन डायरेक्शंस पर, सेम टर्न्स पर ले जाता है और आपके फ्रेंड के घर पर आपको पहुँचा देता है, क्योंकि आपका माइंड इतना स्मार्ट है, ये समझता है कि अगर एक बार इसने किसी चीज़ को समझ लिया है, किसी रेसिपी को देख लिया है, किसी एड्रेस को देख लिया है, या कोई फाइल कहाँ रखी है उसको देख लिया है, तो वो समझता है कि ये कहाँ रखी है. इसी तरह अगर आप ग्रामर के कुछ रूल्स को पढ़ने के बाद आप अपने माइंड को एक डायरेक्शंस दे देते हो कि कौन से रूल्स किन सर्कमस्टांसेस में कैसे यूज़ करने हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो सेंटेंस फॉर्मिंग, जो आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं, आप सेंटेंस फॉर्मुलेट करते हैं इंग्लिश में, वो कितना स्पॉन्टेनियसली होने लगेगा, वो एकदम नेचुरल होने लगेगा. आपको उसके लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूँ. और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन मंथ. If you put your heart and soul to it, within just 1 month you can master English grammar. There is no rocket science in it. मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी थी हमें कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स को मग अप करना पड़ता था, क्रैम करना पड़ता था, क्योंकि हमें समझ तो आते नहीं थी कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो हमें वो सब चीज़ों को रट के समझना पड़ता था. पर यहाँ पे ग्रामर के इतने प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं और उसके ऊपर आपको यूट्यूब पर इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस भी मिल जाएंगी. अगर आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स की हेल्प से आप इंस्टेंटली समझ सकते हैं कि ये ग्रामर किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करती है स्पोकन इंग्लिश के लिए. आपने जो भी ग्रामर, आई अंडरस्टैंड दैट, सी आई अग्री विद दिस फैक्ट कि जो ग्रामर हमने स्कूल में पढ़ी थी वो सिर्फ एक लेवल तक हमारे लिए हेल्पफुल थी. हम उसको सिर्फ कुछ रूल्स को याद करने के लिए समझ पाए. पर अब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास यूट्यूब पर और हर इवन बुक्स भी, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ग्रामर को उस लेवल पर पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह आपकी एवरीडे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है. यू नो देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सर्वाइवल इंग्लिश. सर्वाइवल इंग्लिश मतलब आप बस इतनी इंग्लिश सीख लें कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाएँ. और इस सर्वाइवल इंग्लिश का आई विल से 70% आप इंग्लिश सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं बाय जस्ट नोइंग करेक्ट ग्रामर रूल्स. क्योंकि आप अब अगर इवन वी टॉक, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, यू से ओके आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने बजे ऑफिस में आते हैं, आप किस टाइम जाते हैं, आप कितने बैचेस लेते हैं, इन सभी सेंटेंसेस में यू डोंट नीड एनी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी सेंटेंस. ऑल द सेंटेंसेस कुड बी इजीली फॉर्मुलेटेड यूजिंग करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर्स.
So why you are unnecessarily, you know, just going mad reading the complex vocabulary words which you will hardly be able to use throughout your life. आप इतनी सारी वोकैबलरी वर्ड्स को ना याद करके अगर आप कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हो और उसकी हेल्प से एवरीडे इंग्लिश के इतने सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाते हो तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट मी प्लीज प्लीज डू नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन. क्या ग्रामर पढ़नी ज़रूरी है? क्या मैं इसे छोड़ नहीं सकता? नहीं छोड़ सकते. कुछ पैटर्न्स ही तो हैं, कुछ मॉडर्न तरीके से पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आपने कब पढ़ लिए. अगर आप इस ग्रामर को इस मॉडर्न तरीके से पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल सर्टेनली लव टू असिस्ट यू. थैंक यू.